have called is currently not reachable. किसी से भी बात नहीं हो पा रही है, स्वानी से कैसे बात होगी? अंश, अंश था उसके साथ। अंश भी उसी एम्बुलेंस में है? हाँ, मैंने देखा था एम्बुलेंस में उसको उसके साथ। हाँ, आशा जी ने मुझे नंबर दिया है उनका। लगा फिर, जल्दी लगा। हाँ माँ। सुधा, रो रो के क्या हाल बना रही? बीमार होएगी क्या? अरे राकेश पता कर रहा है ना, सब ठीक होगा, मुझे विश्वास है। साड़ी स्वानी को कुछ नहीं होएगा, वो मिल जाएगी और सही सलामत आएगी ना बेटा। हेलो अंश जी। राकेश अंकल। अंश बेटा, स्वानी कहाँ है? बात नहीं हो पा रही उससे। अंश स्वानी ठीक तो है ना? अंकल आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, मैं यहीं पर हूँ और हम लोग एम्बुलेंस को ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप बिल्कुल बेफिक्र रहिए, मैं पूरी जान लगा दूंगा लेकिन सुहानी को कुछ नहीं होने दूंगा अंकल। अंश तुम वहां हो ना? मैं भी आ रहा हूँ बेटा, मैं भी आ रहा हूँ। ठीक है। क्या बेटा, तू नहीं जाएगा? तेरी तबीयत ठीक नहीं है। मैं और सुधा चले जाएंगे। माँ तबीयत अपनी जगह है, इस हालत में बच्ची को अकेला नहीं छोड़ सकता मैं। चलती हूँ। सुधा नहीं, कुछ नहीं होएगा पुत्र, कुछ नहीं होएगा। साड़ी स्वानी ने कुछ नहीं होएगा, कुछ नहीं होएगा। रणवीर, I know मुझसे गलती हो गई। I'm sorry रणवीर, मैं कुछ भी तो बोल देती हूँ बिना सोचे समझे, तुम तो ये बात जानते हो ना। I'm so sorry, मेरी बात। मैंने अपने हाथ से तुम्हारे लिए गाजर का हलवा बनाया। माता रानी के सामने ऐसी रोती रहेगी तो तेरी सुनेंगी कैसे? माँ जी, मैं कोशिश कर रही हूं, बहुत घबराहट हो रही है। मैंने पता है, लेकिन पुत्र साड़ी स्वानी अकेले नहीं है, रणवीर उसके साथ है। आज तक रणवीर ने उसको हर मुसीबत से बचाया है, वो आज भी उसे कुछ नहीं होने देगा। अम्मा जी आप ठीक कह रही हैं, जब तक रणवीर सुहानी के साथ है ना, उसे कुछ नहीं होने देगा।
स्वानी, स्वानी कहाँ हो तुम? रणवीर, स्वानी में रस्सी फेंक रहा हूँ, रुको वहीं पे। ए, रस्सी लाओ। स्वानी, डरना मत, कुछ नहीं होने दूंगा। रस्सी ला। रणवीर, मेरा हाथ छूट रहा है। रस्सी छोड़ना मत, मैं आ रहा हूँ। आराम से। रणवीर आराम से। स्वानी, रस्ते में छोड़ना। स्वानी, तुम अपने आप पे फोकस करो, उन सब को हम ढूंढ लेंगे। रणवीर, मेरा हाथ। स्वानी, रस्ते में छोड़ना, मैं आ रहा हूँ। भाई, हमने पकड़ा हुआ है, आराम से भाई। अपने हाथ दो। हेलो, रणवीर सुहानी के साथ खाई में कूद गया है, आप प्लीज जल्दी आ जाइए, प्लीज। व्हाट? रणवीर सुहानी की जान बचाने के लिए खाई में उतर गया? दिमाग खराब हो गया उसका। एनीवेज रिया, यू टेक केयर, मैं देखता हूँ क्या करना है। थैंक्स। बेटा पागल हो गया आपका? एक एम्प्लॉय की बेटी की जान बचाने के लिए खुद की जान दांव पे लगा दी उसने। क्या करूं मैं इसका? मिस्टर ओबेरॉय, प्लीज रिलैक्स। रणवीर और उन स्टूडेंट के रेस्क्यू के लिए हमने अपनी बेस्ट टीम भेज दी। इवन लोकल पुलिस भी अपने ऑफिसर के साथ वहां पहुंच गई है। यू डोंट वरी, प्लीज। इसके साथ इकलौता बेटा है मेरा, उसे कुछ नहीं होना चाहिए बस। ओके सर, ध्यान रखिएगा। जी बिल्कुल, थैंक यू। जाने किस हाल में होगा मेरा रणवीर। हे भगवान, मेरे रणवीर की रक्षा करना। रणवीर, डोंट बी सो स्टूपिड, रेस्क्यू टीम आ रही है। सुहानी के साथ अपनी जान खतरे में क्यों डाल रहे हो? We'll be right back.
फोर रणवीर। हेलो, आप लोग प्लीज यहाँ जल्दी आइए, इमीडिएटली हमारी एक स्टूडेंट मीता और दो वार्ड बॉय भी मिसिंग है, हरी आप। माँ, मेरे रणवीर की जिंदगी आपके हाथों में, उसकी रक्षा करो माँ। किसी को कुछ नहीं होना चाहिए, किसी को कुछ नहीं होना चाहिए।
सुहानी तुम ठीक हो? नाराज हो जो मुझे मैं जिम्मेदारी नहीं बल्कि सुहानी कहकर बुला रहे हो? आई एम वेरी वेरी सॉरी रणवीर, जो कुछ भी हुआ ना वो मेरी गलती थी, अब नहीं होगा ऐसा, प्लीज मुझे माफ कर दो। तुम्हें कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। सिर्फ नाम की मैं जिम्मेदारी नहीं हो, तुम मेरी असल जिम्मेदारी हो, समझी मैं जिम्मेदारी? रणवीर वो मीता और वार्ड बॉय वो भी मेरे साथ गिरे थे रणवीर, वो पता नहीं किस हाल में होंगे, कहाँ होंगे। ठीक है उन्हें मैं ढूंढ लूंगा, तुम यहीं पे रेस्ट करो, मैं उन्हें ढूंढ के आता हूँ। मैं भी साथ चलती हूँ। चोट लगी हुई है तुम्हें, कैसे चलोगी? मैं जाऊंगा उन्हें ढूंढ के लाऊंगा। मैं ठीक हूँ, मुझे भी साथ चलना है। पता है जब जब तुम पे गुस्सा आता है तब तुम मुझे एक नई वजह दे देती हो तुम पर प्राउड फील करने की। यहाँ लोग दूसरों से अपनी खुशियां नहीं बांटते और तुम्हें अपने दर्द में भी दूसरों की परवाह है। आई एम वेरी प्राउड ऑफ यू मिस जिम्मेदारी। तुमसे ही सीखा है और बार बार तुम ही मुझे याद दिलाते हो कि मुझे बेस्ट सर्जन बनना है और एक डॉक्टर होने का फर्ज होता है कि वो दूसरों की तकलीफें बांटे। करेक्ट, चलें। खुद को भूल जाओगी तो बेस्ट सर्जन का टैग लेकर भी कुछ नहीं कर पाओगी। सर पर जरा सी चोट लगी है, याददाश्त थोड़ी कही है जो खुद को भूल जाऊंगी। ये देखो फर्स्ट एड बॉक्स पड़ा है। रणवीर नीता का आई कार्ड। अगर आई कार्ड यहाँ है तो मीता भी आसपास ही होगी। मीता रणवीर फोरे मीता मीता को चेक करो, मैं वार्ड बॉयज को देखता हूं। मीता ठीक हो तुम? तो बहुत गहरी चोट लगी है और इतनी ब्लीडिंग भी हो गई, मैं क्या करूं? पेशेंट को ट्रीट करते वक्त अगर डॉक्टर के हाथ कांपने लगे तो पेशेंट के बचने के चांसेस 90% कम हो जाते हैं। मैं जिम्मेदारी मीता तुम्हारी दोस्त है और तुम्हारी पहली पेशेंट, डू व्हाट अ डॉक्टर डज।
अगर तुम्हें मीता की जिंदगी प्यारी है तो अपने इमोशन साइड में रखो और वही करो जो एक डॉक्टर करता है। कमान में जिम्मेदारी, इमोशनल होने का टाइम नहीं है। मीता ऊपर आओ। मीता तुम अच्छे से बैठो, मैं एक मिनट में आई हूं। हाथ दो, एक मिनट। हाँ ये क्या कर रही हो तुम? कुछ नहीं हुआ मुझे, मैं ठीक हूं। देखो कुछ नहीं हुआ है, उसमें एक छोटा सा स्प्रे है, वो ठीक हो जाएगा। रणवीर जब डॉक्टर होने का सपना याद दिलाते रहते हो तो डॉक्टर होने का फर्ज भी निभाने दो।